हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 के पहेलिया और मुकरिया इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आई होप कि आपको बाकी के वीडियोस देखकर मजा आ रहा होगा, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए एंड दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नंबर वन है यहाँ पे, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर आता है, तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। यानी आपके आप जो शूज पहनते हो, जो जूते पहनते हो, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसको तल्ला कहते हैं। और अगर किसी चीज को पैन में फ्राई करते हो, तेल में फ्राई करते हो, तो उसको कहेंगे तला या फिर तलना। तो इसके दो अर्थ यही होते हैं। नंबर टू है, वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आता है, वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ होता है वजीर दानेदार नहीं था, यानी कि वजीर में बुद्धि नहीं थी, वो बुद्धिमान नहीं था, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट नंबर थ्री, तला न होने से क्या क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तला नहीं होने से क्या क्या नहीं हो सकता, तो तला न होने से जूता पहना नहीं जा सकता और समोसा खाया नहीं जा सकता। आप शूज कैसे पहनोगे, जैसे उसके नीचे का हिस्सा ही नहीं है, तल्ला ही नहीं है, तो आप नहीं पहन सकते और समोसे कच्चे कच्चे नहीं खा सकते, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। नंबर फोर, फेरे न जाने से क्या क्या हुआ। इसका उत्तर आता है, फेरे न जाने से रोटी जल गई, घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। यानी रोटी को उल्टा पुल्टा नहीं किया गया इसलिए वो एक साइड से जल गई। घोड़े को आपने घुमाया ही नहीं, फेरा ही नहीं, तो उसको आदत ही नहीं है तो वो अड़ गया, यानी वो चलना ही नहीं जानता, वो वहां पर अड़ जाएगा। और पान सड़ गया यानी पत्तियां जो थी, पान थे जो, वो सारे ऐसे कैसे पड़े रहे, उनको हिलाया नहीं गया तो वहां का वहां पड़ा वो सड़ गया। इसमें जो दूसरी पत्तियां थी खराब, उसको निकल ही नहीं गई, इस वजह से वहां वो सड़ जाता है। नंबर फाइव, पहली और मुकरी में क्या अंतर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पहली सामान्य रूप से केवल बुझने के लिए होती है, आपको कोई पूछते हैं, आपको हिंट देते हैं, आपको उसको पहचानना है। और मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बुझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि पहली में से केवल बुझने के लिए होती है, लेकिन मुकरी में एक सखी दूसरी सखी को कुछ पूछती है और लास्ट में उस मुकरी के लास्ट पंक्ति में वो उसका उत्तर भी दे देती है। नंबर सिक्स, राम भजन बिना कौन नहीं सोता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आता है, राम भजन बिना तोता नहीं सोता है। नंबर सेवन, ढोल और साजन में क्या समानता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आता है, ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती, ढोल और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। यानी शादी के ऐसे फंक्शन में आपको दोनों चीजें चाहिए, दूल्हा तो चाहिए चाहिए, साजन चाहिए, उसके बगैर तो शादी नहीं होने वाली, लेकिन ढोल भी चाहिए साथ साथ में, क्योंकि शादी जैसे फंक्शन में अगर ढोल होते हैं वो बजते हैं तभी लगता है किसी के घर पे शादी है, अदरवाइज लगेगा नहीं। तो ये दोनों चीजें के अंदर यही समानता है कि इन दोनों के बगैर शादी हो ही सकती नहीं है। तो यहाँ पे इसके 19 के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ और भी सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैं जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ज्वाइन दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।